दोस्तों मैं हाँ अहमद रजा और अज मैं गल करांगा इंडिया अंदर चलते उस किसान धरने की जिन्हों पूरी दुनिया कवर कर रही है लेकिन कवर नहीं कर रही तो वह इंडिया का मीडिया जिसनों असी इंडिया का नैशनल मीडिया भी कहने। सो नैशनल मीडिया की तारीफ भी एक तो गलत है कि नैशनल तो वह कौमी मीडिया तो वह है जो कौम की आवाज़ बने। सो इन असी मोदी मीडिया कह सकते हैं, इनू असी सरकारी मीडिया कह सकते हैं, इनू असी उतों की स्टैबलिशमेंट का मीडिया कह सकते हैं। किसान की चाहते हैं, किसान का मसला है कि यह खुल के दसण की लोड़ है। इंडिया का किसान जिन्हों आवन वाले वेले दे विच असी दसते जाइए कि जिहड़ा खेती का फ्यूचर है वह बड़ा रोशन है। वह इसलिए भी है कि दुनिया के विच जिहड़ा पेट्रोल है डीजल है जिहड़े मुल्क पैदा कर रहे हैं अगले आवन वाले दहाइयां दे विच उन्हां कोलों पेट्रोल दे जखीरे खत्म हो रहे हैं, वह डीजल दे जखीरे खत्म हो रहे हैं। आवन वाला वेला किसदा है? खेती का है। जदों ये पता लग जाता है आम बंदे नूं कि आवन वाला वेला ज़रात दा है उस वेले तक जदों सेठ जिहड़ी मैंटैलिटी है जिहदे विच इंडिया दे वड्डे सेठ अंबानी अडानी जिन्हां ने बीजेपी की हकूमत बनवाई हुई और उत्थे सारी पॉलिसीज बीजेपी दीआं चल रही हैं उन्हां नूं क्यों नहीं पता चलेगा कि आवन वाला मीडिया ज़रात दा है और ज़रात दे विच पंजाब दा रोल की है इहनूं पूरी दुनिया जाणदी है। इंडियन पंजाब होवे पाकिस्तानी पंजाब होवे इस पंजाब की खेती ने लीड करना है अगले उन अरब ममालिक दे विच जिथे आवन वाले वेले दे विच ज़रात की ट्रेड होएगी। सो ज़रात जिहदी ट्रेड नूं कंट्रोल करन वास्ते जिहड़ा कारपोरेट सैक्टर है या कारपोरेट मीडिया है वह एक अवामी ज़ेहन साज़ी कर रहा है। वह इंडिया के अंदर भी है, वह साढ़े इत्थे लहिंदे पंजाब पाकिस्तानी पंजाब के अंदर भी है। बिल पास किए गए तीन जिन्होंने बज़ाहिर इंडिया के अंदर यह कहा गया कि किसानों के हक के बिल है लेकिन कितनी अजीब गल है कि मिसाल के तौर पर मेरे लिए कानून बनाया जाता है मेरे फायदे लिए बनाया जाता है तो मैं कहना जी मैंने कानून नहीं चाहिए तो उस स्टेट को कानून तो वापस ले लेना चाहिए कि जिस बंदे लिए मैं कानून बना रही हाँ उसको कानून ही नहीं चाहिए। कानून जबरदस्ती इंपोज नहीं किए जाते। सो इंडिया के अंदर यह कानून जो जो बिल हैं वह जबरदस्ती इंपोज किए जा रहे हैं। उन्होंने बिलों तो बाद नुकसान की होएगा? पहले स्टैप पर बड़ा खूबसूरत फेस उसका दिखाया जा रही है कि प्राइवेट कंपनियां जिहड़ियां खाद प्राइवेट कंपनियां तुहाड़ियां फसलां बड़े चंगे बात लैणगियां। ठीक है जी, एक साल लै लैणगियां चंगे बात फसलां, दूसरे साल लै लैणगियां, तीसरे साल लै लैणगियां लेकिन जदों गवर्नमेंट दे उहदे विच कार मुख्तारी खत्म हो जाणी है, गवर्नमेंट दा उहदे विच कोई रोल नहीं रह जाणा और जदों कल्ला उत्थे कारपोरेट सैक्टर जिहड़ा है उस दी कार मुख्तारी चलनी है तो उस वेले कारपोरेट सैक्टर तो वह है जिहड़ा साडा आलू साढ़े तो 30-35 रुपए किलो लै के सानू वह पैकेटां दे विच बंद करके 500 रुपए किलो दिंदा है। वह तो तुहानू समझ ही नहीं आता अपनी कमरशलिज़म दे थ्रू अपनी इस तरीके की जिहड़ी ज़ेहन साज़ी करता है जिहड़ा लैंदा सारा कुछ इंसान तो है किसान तो है और करदा भी किसान दे खिलाफ है। सो इंडिया दा इंडिया दे अंदर जिहड़ा धरना चल रही है वो 100% लोग अपने हक दे वास्ते बैठे न अपने हक ते क्योंकि एक किसानी नू खत्म करन दी एक किसान दे नाल जिहड़ी जुड़त है उहनू ये खत्म करन दी एक बड़ी वड्डी कोशिश भी है और हुण ते एक्सपोज हो चुका है कि उहदे पिछे वो करना की चाहुंदे ने। सो अगर ये एक्सपोज होने के बावजूद हुण उत्थों दा किसान इस वास्ते कुछ नहीं करेगा और नाल नाल जिहड़ा असीं पाकिस्तानी पंजाब दा इत्थों किसान बैठा है उहनू रिलेट इसलिए करने आ कि खेती का मसला एक है दोवां दा सांझा है। ये अलहदा गल है कि लहिंदे दे किसान नूं अजे होश नहीं आ रही, चिड़दे दे किसान नूं होश आ रही है। इत्थों दीआं सरकारां भी सेम उही काम कर रही हैं, अगर नहीं कर रही तो आवन वाले दिनों दे विच ओह करनगियां क्योंकि दोनों हकूमतां चाहे वह होवे मोदी की हकूमत होवे या इमरान की हकूमत होवे इहदे पिछे कारपोरेट मैंटैलिटी का कारपोरेट सैक्टर का एक वड्डा हत्थ है। यकीनन मेरे सुणन नाल सुण के हैरानी होएगी कि दुनिया की तारीख दे विच और खासकर इस खिते की तारीख दे विच यह पहली बारी होया कि मोदी नूं भी कारपोरेट ने मुंतखब कराया है स्टैबलिशमेंट ते इतनी पावर अपने नाल उहदे जोड़ के वधा के और पाकिस्तान के अंदर भी जिहड़ा कारपोरेट सैक्टर है इमरान की हकूमत उह लिआउण वाला है। कारपोरेट मैंटैलिटी कदे भी आम बंदे दे उहदे हक की गल नहीं करेगी, वह हमेशा अपने हक की गल करेगी अपने ब्रांड के हक की गल करेगी। सो जिथे ब्रांड के भले की गल होएगी लोगों के भले की गल नहीं होएगी और इन रियासतों का फेस उदों ही बेहतर होना है जो इतों के लोगों के हकों की गल होएगी। सो लोगों के हकों की गल वो आम किसान आम ज़रात के नाल जुड़ा हुआ बंदा आम मजदूर आम किसान उ ही कर सकता है
सो इन्हां मजदूर किसानां दी आवाज जितनी मजबूत होएगी इस खित्ते दे विच उतनी बेहतरी आएगी। और अगर तुसी चाहते हो तुसी इंडियन पंजाब दे विच बैठे हो, तुसी पाकिस्तानी पंजाब दे विच बैठे हो, दुनिया दे विच तुसी जिथे बैठे हो, तुसी किसान दे पुत्तर हो या तुहानू किसान दा दर्द है तो इस आवाज़ दे नाल आवाज़ बनो, ये आवाज़ चुको। अगर तुसी धरने दे विच नहीं बैठ सकते अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स दे राही इन्हां किसानां दी आवाज़ बनना चाहिए।